बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। तो अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करना तो चैरिटी करेंगे हम। आपको प्रॉफिट अर्न करना है, सप्लायर को भी प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप में से कितने लोग 6 रुपए पे से 80 पेंस बेचने को तैयार होंगे? ऑल ऑफ यू। सो हाउ प्राइस हैज अफेक्टेड सप्लाई? एज प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस, और वाइस वर्सा। विद फॉल इन प्राइस यू विल बी रेडी टू सेल लेस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर, प्राइस ऑफ इनपुट। अगर इनपुट रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए तो प्रोडक्शन एडवर्सली इफेक्ट होगी, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर इनपुट का प्राइस कम हो जाए, मोबाइल फोन की ही बात ले लेते हैं, मोबाइल फोन एक असेंबलिंग इंडस्ट्री है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हम प्रोक्योर करके उसको असेंबल करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेमोरी कार्ड या कोई भी बटन्स या कोई भी पार्ट्स पड़ते हैं वो चाइना से आते हैं, और उनकी अब कॉस्ट कम हो गई है, इनपुट का प्राइस कम हो गया, तो मोबाइल फोन की प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो विच मीन्स अगर इनपुट का प्राइस कम होगा तो कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर इनपुट महंगा हो गया, जैसे अभी कोल एक इनपुट है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज का, है ना, कोल महंगा हो गया था तो उसकी प्रोडक्शन एडवर्सली, कमोडिटीज की प्रोडक्शन एडवर्सली इफेक्ट हुई मेनी कमोडिटीज, और उनकी सप्लाई मार्केट में कम हो गई। ठीक है, सो इनपुट महंगा होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। थर्ड फैक्टर, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी, यू नो द आंसर, सप्लाई विल इंक्रीज। इफ नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज। सिंपल, नीड आई एक्सप्लेन इट फर्दर? ऑल राइट, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इंप्लाइज मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल विद लेस रिसोर्सेस, इजंट इट? ठीक है, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, तो टेक्नोलॉजी जब प्रोग्रेस करेगी हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी आउटडेट तो होती नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारी सप्लाई कम हो सकती। वो तो अजम्पशन लेते हैं ना बेटे, आगे लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करेंगे तो अजम्पशन लेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है सप्लाई को रियलिटी में कि नहीं करती है ना, तो फिर हम इस फैक्टर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अजम्पशन हम तब लेते हैं जब हमें सिर्फ दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप डिराइव करनी है। मुझे ये देखना है आपके स्टडी आवर्स और आपके मार्क्स में क्या रिलेशन है, तब मुझे आपके घर का एटमोसफेयर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी, उन चीजों को परे रख के चलना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अज्यूम है, अजम्पशन थोड़ी ना लेनी है, ये देख रहे कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज बेटे गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? फर्म इन दोनों गोल्स में से एक गोल चूज कर सकती है, वन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अनदर सेल्स मैक्सिमाइजेशन।
आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग का मतलब ये नहीं कोई लार्ज स्केल कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस एक्सपीरियंस, दो अलग अलग शॉप्स पे आप गए, एक सेलर आप कह रहे हो कि मैं दो पेयर ऑफ शूज ले लूंगा, मेरे को प्राइस रीजनेबल लगा दो, कम प्राइस कर दो, एक शॉपकीपर मान जाता है, वो कहता है ठीक है मैं कम प्राइस ले लगा देता हूं, आप ज्यादा ले लो, इफ यू आर विलिंग टू टेक मोर शूज मैं अपना प्राइस कम कर देता हूं, अनदर सेलर माइट स्टक एट हिज ओन पॉइंट, नहीं मैंने इससे प्राइस कम नहीं लेना, आपने चाहे एक शू लेने हैं दो लेने हैं या कोई भी मत लो, आप शॉप छोड़ के चले जाओ, वो टस से मस नहीं होता, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, दोनों एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको, कभी कभार वो प्राइस कम कर लेता है जब आप ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हो सेल में, ज्यादा यूनिट्स खरीदने में, और कभी कभी वो प्राइसेस कम नहीं करता या कोई सेलर प्राइसेस कम नहीं करता। जो सेलर कम प्राइस पर भी ज्यादा बेचने को तैयार है उसका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि अगर मैं प्राइस कम करके अपना पर यूनिट का प्रॉफिट फॉरगो कर रहा हूं तो वो प्रॉफिट मेरा ऑफसेट हो रहा है दूसरे पेयर ऑफ शूज के सेल से, समझ में आई बात, अगर वो 1000 रुपए का एक बेचता है उसमें से 100 रुपया उसका प्रॉफिट आता है, अगर वो 900 रुपए के दो बेच देता है तो भी उसका प्रॉफिट सेम रहेगा, सपोज चलो 200 कह लो, 200 प्रॉफिट आता है 1000 में से, अब उसने क्या किया 900 रुपए के दो बेच दिए तो अब उसको कितने पैसे मिल रहे हैं 1800, यहां पे कितने मिल रहे थे 1000, तो 1000 से भी उसको 200 का प्रॉफिट आ रहा था, 1800 से भी उसका प्रॉफिट 200 रुपए आ गया, ठीक है, गॉट इट, वेयर एज जो पर्सन आपको कह रहा है, सेलर कह रहा है कि मैंने प्राइस कम नहीं करना, उसका गोल क्या है प्रॉफिट मैक्सिमम, वो कहता है कि मैंने 1000 के पीछे 200 कमाना ही कमाना है, ठीक है, सो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी ये डिपेंड होता है, ये हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें, एक पर्टिकुलर फर्म की बात करें, आपकी एक फर्म है, आप एक सेलर हो, आपकी बात करें कि आपकी सप्लाई कमोडिटी के प्राइस से कैसे अफेक्ट होगी, इनपुट के प्राइस से कैसे अफेक्ट होगी और आपके गोल से कैसे अफेक्ट होगी। अगर आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप, या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो आप कम प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स बेचने को तैयार हो, यू आर रेडी टू सप्लाई मोर इवन एट लेसर प्राइस, बट इफ योर गोल इज देन यू वॉन्ट बी रेडी टू सेल मोर एट लेस प्राइस, ठीक है, ऑल राइट, अनदर फैक्टर कुड बी गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बेटे एक सेलर के सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हम दो चीजें उठा सकते हैं, एक टैक्सेशन और दूसरा सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट आपकी फर्म या आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है तो उस केस में आपकी सप्लाई कैसे अफेक्ट होगी, कम हो जाएगी क्योंकि आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि यू विल बी रेडी टू सप्लाई लेस। इफ यू रिमेम्बर जब जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया था उस टाइम पे इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, हम कुछ भी लेने जाते थे तो हमें ये सुनने को मिलता था नहीं अभी जीएसटी लग रहा है तो पीछे से माल नहीं आ रहा, मतलब जो लोग टैक्स जिनके ऊपर नहीं लगता था उनके ऊपर भी टैक्स लगने लग गया तो उनकी प्रोडक्शन सफर हो गई, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो आउटपुट सफर होगी, सप्लाई कम होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी को टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया या टैक्स रेट कम किया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ जाए,
दूसरा किस्सा आता है सब्सिडी का. यू नो व्हाट आर सब्सिडीज, क्या होती है? हाँ ठीक है. तो इसको टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फाइनेंशियली असिस्ट करती है फर्म्स को या हाउस होल्ड्स को, उसको कहते हैं सब्सिडी. तो अगर मैं कोई चीज की प्रोडक्शन कर रही हूँ, गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट मेरी इलेक्ट्रिसिटी, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 8,000 रुपए, गवर्नमेंट कहती है 6,000 तू पे कर, 2,000 गवर्नमेंट पे करेगी, तो मुझे हेल्प मिली तो मेरी आउटपुट बढ़ेगी, सब्सिडी के मिलने से मेरी आउटपुट बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी. क्लियर है? ठीक है बच्चे? ओके. लास्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. अब इसमें रिलेटेड गुड एक ही तरह का करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड. ध्यान से देखना, एक एग्जांपल में करवा रही हूं. आप डीलर हो टी के भी और कॉफी के भी, ठीक है? दोनों चीजें आप सप्लाई करते हो. टी का प्राइस 100 रुपीज पर केजी है, कॉफी का प्राइस 200 रुपीज पर केजी है. You are selling 100 kgs of tea, say 100 kgs of coffee. एक example है, आप dealer हो, आप इस price पे tea की इतनी quantity और coffee की इतनी quantity supply कर रहे हो या बेचने को तैयार हो. Coffee का price बढ़ गया, हम बात करें tea की, हमारा commodity, एक commodity in question क्या है? Tea. ये इसकी बात कर रहे हैं. अब कल को इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि इसकी सप्लाई इसके अपने प्राइस से अफेक्ट होती होती है. हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इसकी सप्लाई ना सिर्फ इसके प्राइस से अफेक्ट होती है, कॉफी के प्राइस से भी अफेक्ट होगी. वो कैसे? कॉफी हो गई सस्ती, कॉफी का प्राइस हो गया ₹180 पर केजी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. व्हाट विल यू डू नाउ? यू विल सेल मोर ऑफ टी, लेस ऑफ कॉफी. बट टी की सप्लाई बढ़ गई ना. क्यों बढ़ी? क्योंकि रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो गया. तो जब रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो जाएगा तो गिवन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी. नाउ एट सेम प्राइस ऑफ टी, दैट इज ₹100 पर केजी, यू आर रेडी टू सेल 150 केजीज ऑफ टी. रीजन, इसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया है, उसमें आपका मार्जिन कम हो गया, तो इसीलिए आप इसकी सप्लाई बढ़ा दोगे. ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे देती हूं इसकी. आप एक प्रोड्यूसर हो, आप वीट और राइस ग्रो कर रहे हो, इतनी वीट के ऊपर, इतनी लैंड के ऊपर वीट और इसके ऊपर राइस. अगेन वीट का प्राइस 100 रुपीज, राइस का प्राइस 200 रुपीज, ठीक है, पर क्विंटल कह लो, पर टन कर लो. यू आर प्रोड्यूसिंग 100 क्विंटल्स ऑफ वीट एंड से 50 क्विंटल्स ऑफ राइस, ठीक है. अब क्या हुआ? राइस का प्राइस बढ़ गया 300 रुपीज, वीट का उतना ही है, राइस का प्राइस बढ़ने से वीट की प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? क्योंकि राइस में मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है तो मैं ज्यादा लैंड के ऊपर राइस ग्रो करूं. जब वो ऐसा करेगा
तो वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, तो वीट की सप्लाई कम हो जाएगी। माइनस साइन याद रखना, ठीक है? माइनस रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है, याद रहेगा। सो दीज आर आई गेस ऑल दी फैक्टर्स। बेटे डिमांड प्राइस इज एज सच सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता। जब हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो हमें डिमांड वी कैन ओनली फोरसी, है ना, कि डिमांड कितनी होगी कितनी नहीं होगी। एक्चुअली में वो फैक्टर नहीं है, वो प्राइस डिटरमिन करने का फैक्टर होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है तो फिर ये फैक्टर नहीं आएगा इनटू लाइमलाइट। दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है? कोई भी एक अफेक्ट कर सकता है, कोई नॉन ऑपरेशनल भी हो सकता है।